हेलो प्रिय स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज का जो क्लास ट्वेल्थ का जो इंग्लिश का पेपर हुआ है उसका संपूर्ण हल लेकर आया हूँ। और आप अपने अपने पेपरों से इसको मिला लीजिएगा आपको कितना सही गया है। और कुछ सोशल साइट्स पर कुछ फेक पेपर जो चल रहा था वो कितना सही निकला कितना गलत निकला उससे आप मिला लीजिएगा। एक बहुत फर्जी एक पेपर वायरल चल रहा था एक दो दिन से, तो उससे आप मिला लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं, जल्दी से हम चलते हैं इसकी तरफ और जल्दी से हम इसका देख लेते हैं कि कौन कौन सा आपका इसमें क्वेश्चन सही है। तो पहला हमारा जो सेक्शन ए है रीडिंग, तो रीडिंग में से आपका मिला लेते हैं। पहला कौन सा है हमारा, पहला दिया है हमारा इसमें, पहला दिया है गिव द एंथम ऑफ पुअर, तो इसमें आ जाएगा आपका रिचर। नेक्स्ट है हमारा द गीता इज कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, तो इसका आ जाएगा आपका बाय हार्ट। नेक्स्ट हमारा दिया है इन द गिवन पैसेज व्हाट इज द ओनली यूनिवर्सल प्रोहिबिशन, इसमें आ जाएगा आपका डिजायर फॉर फ्रूट। अगला है हमारा द गीता इज, इसमें आ जाएगा एन एपोरोस्टिक वर्क। आगे देख लेते हैं आगे में इसमें क्या आ जाएगा। लास्ट है हमारा इसमें जो आपका सेक्शन ए का रीडिंग का द गीता इज इम्पोर्टेंट फॉर, इसमें आएगा एवरी एज द पीपल एट लार्ज। आगे देख लेते हैं इसमें आगे क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई डू एंड डोंट इन द एक्सपेक्ट्रेक्ट, इसमें आ जाएगा आपका वर्क द शुड बी डन एंड वर्क दैट शुड नॉट बी डन। अगला क्वेश्चन दिया है अकॉर्डिंग टू कृष्णा द गीता इज ओनली फॉर धूज, तो इसका आ जाएगा हु हैव फेथ। देखते हैं आगे क्या देखा दिया दे रखा है इसमें, तो आगे देख लेते हैं हम इसमें अपोजिट वर्ड दे रखा है आपका, क्या दे रखा है आपका अपोजिट वर्ड दे रखा है अपोजिट वर्ड द मलाइस, तो इसका आ जाएगा गुड विल। नेक्स्ट हमारा गिव द वर्ड फॉर्म फ्रॉम द पैसेज दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ कंपल्सरी, तो इसका आ जाएगा आपका ओबी ऑब्लीगेटरी। नेक्स्ट है हमारा गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोहिबिशन, इसमें आ जाएगा प्रोहिबिट, इसका आंसर सही रहेगा। आगे देख लेते हैं एक और दिया है आपको अंश पैसेज दिया है, इसमें आप देख लीजिएगा इसमें आपका इशू नोट्स दिया है, तो नोट्स आप कर आए होंगे, सूटेबल टाइटल पूछा गया था, इसके बाद ये लेटर आया है इसको आप कर आए होंगे। अब आ जाते हैं हम सेक्शन सी पे और ये फिलिंदा ब्लैंक्स हैं, तो इसमें क्या क्या आया है आपका वो देख लेते हैं हम। तो इसमें दे रखा है हमारा पहला है देयर आर प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो इसमें आ जाएगा आपका सम। सेकंड में आएगा आपका वी आर गोइंग ए मैच टुडे, तो इसमें आ जाएगा टू प्ले। नेक्स्ट हमारा माय फ्रेंड लाए लाइव न्यू दिल्ली, तो इसमें आ जाएगा आपका इन। आगे देखिए आगे क्या पूछा जा रहा है इसमें, आगे देख लेते हैं हम। तो इसमें द टेम्पल इज द मिडिल ऑफ द रिवर, तो इसमें आ जाएगा इन। नेक्स्ट है हमारा लेट्स गो टू, इसमें आ जाएगा द मार्केट वेयर माय फादर हैज पुट अप स्टॉल। नेक्स्ट है हमारा द बॉय द वर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे, तो इसमें आ जाएगा कैचेस। नेक्स्ट है हमारा सातवां आई थिंक इट रेन टुडे, तो इसमें आ जाएगा मे। अब देख लेते हैं हम इसमें डू एज डायरेक्टेड, डू आई डायरेक्टेड में क्या पूछा गया है। पहला है हमारा मिस्टर गुप्ता टीचेस अस हिंदी, तो इसमें आ जाएगा आपका चेंज टू वॉइस में करना है, तो यहाँ से इसमें लिख दीजिएगा आप, आपने लिखा होगा हिंदी इज थॉट बाय मिस्टर गुप्ता, ये आएगा इसका आप करके आए होंगे, मैं ऐसा करता हूँ कि आप सही करके आए होंगे। नेक्स्ट है हमारा इसमें सेकेंड है हमारा इसमें आपका इफ की जगह आपका क्या जाएगा अनलेस आ जाएगा और डू नॉट इसमें हट जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ई इज टू वीक टू स्टैंड, तो इसका सो दैट का इसमें प्रयोग करना है, तो
तो जो इज की जगह सो की, टू की जगह सो लग जाएगा, और एक टू से हम क्या कर देंगे इसको, इसको दैट से जोड़ देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट। आगे देखिए, इसमें आगे दिया है द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, तो क्राइड की जगह था क्राइंग आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, बाज क्राइंग, क्योंकि इसको चेंज इनटू फास्ट कंटिन्यूअस में इसको चेंज करना था। इसके बाद हमारा अगला है ही गेट्स हिज सैलरी, तो इसके आ जाएगा आपका नो सूनर डज ही गेट हिज, इसका आप ये आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, तो इसमें आ जाएगा सैलरी देन ही स्टार्ट स्पेंडिंग, इसको नो सूनर देन में इसका प्रयोग करना था। अगला है हमारा सिक्स राजू, इसको हमको अरेंज रीअरेंज में इसको जोड़ना था, तो इसमें दिया पहले पे आएगा आपका राजू, पहले आपका राजू आ जाएगा, दूसरे पे आएगा कैन, तीसरे पे आ जाएगा आपको राइट, चौथे पे आएगा विथ, पांचवे पे आएगा आइदर, और छठवे पे आएगा एंड, यानी राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड, इसका ये हो जाएगा, पूरा हो जाएगा हमारा सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, डांसेस आ जाएगा, कैसे नाइदर नॉर का प्रयोग करना था। सेक्शन डी में आपने एक क्वेश्चन आया जो आपको पिछले वर्ड्स में आपको आंसर देने थे, तो उसको आप अच्छे से कर आए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक ढंग से इसको करके आए होंगे, तो आपने जो याद किया होगा जो समझा होगा उसके अनुसार आप इसको कर आए होंगे। आगे देखते जाते हैं और इसमें क्या रहने वाला है। हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर 11 है उसका जो पहले का उत्तर हमारा रहेगा आपका, इसमें दिया है नेम द ऑदर ऑफ द एबोव एक्सट्रैक्ट, तो इसका आएगा विलियम्स डगलस। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर, तो इसका आ जाएगा आपको याकीमा। नेक्स्ट है हमारा द ऑदर स्पीक्स अबाउट द मिस्ड बेंट्यूर बहन ही वाज, तो इसका आ जाएगा आपका 10 ऑफ और 11 ईयर्स ओल्ड। आगे देख लेते हैं हमारा आगे क्या दे रखा है इसमें, आ जाएगा इसमें नेक्स्ट है हमारा सिनोनिम्स ऑफ ग्रेजुअल, तो इसमें आ जाएगा आपका जेंडर जेंटल। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर ऑन क्वेश्चन, तो इसमें से आपको आंसर देना है। तो इसका जो पहला दिया है वो दिया है व्हाट मूव्स द फॉल अवे फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, तो इसका आ जाएगा आपका एनी शेप ऑफ ब्यूटी। आगे देख लीजिए आगे क्या देख रखा है इसमें, तो इसमें दिया है व्हाट डज द फोएट मीन्स वाई ग्रीन वर्ल्ड, तो इसका आ जाएगा ग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट को हल करने से पहले हम आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे दिया हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्रिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन सेडीबून, तो इसमें आ जाएगा आपका इमेजरी। आगे देख लेते हैं इसमें अगला जो पैसेज दिया है, आगे देखते हैं हमारा जो बी है 11 क्वेश्चन का, 11 क्वेश्चन का हमारा जो वी वाला पार्ट है, वी वाली जो अनसीन पैसेज है इसके उत्तर क्या रहने वाले हैं, तो इसको आप मिला लीजिएगा। इसका पहला दिया है व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ द डॉक्टर साधोस फादर, इसका दिया है आपका डॉक्टर साधोस एजुकेशन आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट में आएगा एट व्हाट एज डिड डॉक्टर साधु गो टू अमेरिका, इसमें आ जाएगा आपका 22। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या देख रखा है आपका वाई वाई डॉक्टर साधव सेंट टू अमेरिका, इसमें आएगा टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। लास्ट इसमें आ गए हमारा फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज अपोजिट ऑफ
प्रैक्शन, इसमें अपोजिट तो इसका आ जाएगा ट्रू। तो यहाँ पर हमारा ये पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपके सामने रखा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने कुल आपको नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन आपको फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।